नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार, आप सभी लोगों का लर्निंग स्किल पे स्वागत है। दोस्तों आज 22nd ऑफ जून और आज से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों 21 जून। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार की जो थीम थी दोस्तों वो थी योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस और ये लगभग 190 कंट्री में सेलिब्रेट किया गया था और 7th एडिशन था दोस्तों इसको। पहली बार 2015 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी पुणे स्टडी द इफेक्टिव ऑफ द विच वैक्सीनेशन ऑन द डेल्टा प्लस वेरियंट ऑफ द कोविड-19। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे का है दोस्तों वो स्टडी करेगा कोविड कोवैक्सीन पे कि ये डेल्टा जो डेल्टा प्लस वेरियंट है उस पर काम कर रही है कि नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका बी हुआ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। एज पर द यूएन रिपोर्ट व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द रिसीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों फिफ्थ रैंक आई है दोस्तों इंडिया की और लगभग ये पिछली बार से 37% अधिक है। पिछली बार में 51 USD आए थे, इस बार में 64 USD है। लगभग 37% इस बार इंक्रीज हुआ है इंडिया के लिए। 2019 का 51 USD था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे विच एप लॉन्च अलॉन्ग विद द यूएन नेशन। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों WHO एम योगा। एम योगा को लॉन्च किया गया है यूएन के साथ मिलकर इस योगा को। इसका एम है दोस्तों कि योगा को हर जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहुंचाया जा सके। और इससे एक और क्वेश्चन रिलेटेड याद रखिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर है संजय धोत्रा, उन्होंने लॉन्च किया है न्यूज डिप्लोमा कोर्स फॉर द लॉजिक साइंस योगा के लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिसेंटली इन ए न्यूज इरानियन अनाउंस द इमरजेंसी शट डाउन ऑफ इट न्यूक्लियर सो इट न्यूक्लियर पावर लोकेटेड इन विच सिटी। तो इसका ईरान का न्यूक्लियर पावर जो लोकेटेड है तो दोस्तों वो है बुशहर में। कहाँ पे है? बुशहर में। और क्यों शट डाउन किया गया है? क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दिया ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से जो रसिया है दोस्तों यही इक्विपमेंट इसको देता था ईरान को, मगर अभी नहीं दे रहा है सेक्शन की वजह से। इस वजह से इसका ये प्रोसेसर रुक गया है। रिसेंटली इन ए न्यूज ईरान अनाउंस द इमरजेंसी शट डाउन इट्स न्यूक्लियर पावर लोकेटेड इन विच सिटी। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बुशहर। बुशहर में स्थित न्यूक्लियर पावर जिसे शट डाउन ईरान ने कर दिया है। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि यूएसए ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, जिसके वजह से रसिया कोई भी इक्विपमेंट इसे नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से इसका काम रुका हुआ है। और ईरान की बात करें तो ईरान का जो कैपिटल है दोस्तों वो है तेहरान कैपिटल है और यहाँ की करेंसी रियाल यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। Which state released the guideline protect school for the sexual abuse? तो right option होगा दोस्तों ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा ये रिलीज किया गया गाइडलाइन की प्रोटेक्ट किया जाए सेक्सुअल एब्यूज से स्कूलों को। तो राइट ऑप्शन आपका तमिलनाडु हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन टू होल्ड द सेरो सर्वेलांस सर्वे अमंग द चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों तेलंगाना। ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना के साथ मिलके ICMR ये सर्वे होस्ट करेगा ताकि बच्चों के अंदर जो 7 से 15 के बीच में उनके अंदर न्यूट्रिशन का पता लगाया जा सके। क्या है, क्यों मैल न्यूट्रिशन जैसे हो जाती है बीमारियां, तो वो कैसे होती हैं, ये सारी चीजों पे नजर रखी जाएगी। लगभग 10 गाइडलाइन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। कोविड-19 इम्यून वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च बाई विच स्टेट। तो कोविड-19 इम्यून वैक्सीनेशन जो लॉन्च किया गया है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश से लॉन्च किया गया है। राइट ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम है दोस्तों जयराम ठाकुर है। यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंदारू दत्तात्रेय है। यहाँ पे सिमलीपा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क और चनुदारू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। BCCI अप्रूव हाउ मेनी करोड़ टू सपोर्ट इंडिया ओलंपिक कैंपेन। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों 10 करोड़। 10 करोड़ BCCI ने अप्रूव किया है सपोर्ट करने के लिए ओलंपिक कैंपेन को। BCCI क्रिकेट की बॉडी है दोस्तों, मगर ओलंपिक को सपोर्ट करने के लिए की है। अगला क्वेश्चन है शीतला देवी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों जूडो। जूडो से बिलोंग करती है और मणिपुर से आती है दोस्तों। ये मणिपुर से आती है और ये
और इन्होंने दोस्तों 1992 में समर ओलंपिक में मेडल जीता था और ये मणिपुर से आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो जिस दिन दोस्तों ये योगा डे था उसी दिन वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व किया गया था। और फर्स्ट टाइम ये दोस्तों 1982 के अंदर फ्रांस में ये ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड म्यूजिक डे। अगली दोस्तों सीरीज है मिसलेनियस की स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन की, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। विच लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है दोस्तों? तो वो है मजूली, मजूली आइसलैंड जो है, वो है मजूली आइसलैंड। और नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट वॉल जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों किन सिन होंग के द्वारा बनाया गया था, किन सिन होंग के द्वारा बनाया गया था। अगला है, विच की यूज फॉर द हेल्प ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के हेल्प के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन होगा F1। F1 को प्रेस करेंगे तो हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो यूपी के अंदर है उसे कौन फाउंड किया था दोस्तों? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मालवीय जी ने इसे फाइंड किया था। अगला क्वेश्चन है, द सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाई? तो सत्य शोधक जो समाज था उसे ज्योतिबा राव फुले के द्वारा फाउंड किया गया था। ज्योतिबा राव फुले कहाँ के लीडर थी दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर एक्टिव थी। अगला है, विच लार्जेस्ट मैनमेड लेक इन इंडिया? तो जो मैनमेड लेक है दोस्तों इंडिया में वो कौन सी है? तो वो है सरदार वल्लभ पंत सागर, सरदार वल्लभ पंत सागर लेक है दोस्तों, पंत सागर लेक जो इंडिया के अंदर है सबसे बड़ी है। और देखते हैं, विच फर्स्ट इंडियन कंपनी टू लिस्टेड इन द NASDAQ, नैसडेक, इसमें कौन सी इंडियन कंपनी है जो लिस्ट की गई है? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इन्फोसिस, इन्फोसिस, इन्फोसिस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी भी है दोस्तों और इसे लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड बाई? तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू की दोस्तों वो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।